बिल्कुल, शहरियों के लिए यकीनन ये खुशायन जरूर था फैसला, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं करवाया जा सका। वजह यह है कि अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। बताया यही जा रहा था कि गुज़िश्ता रात को एक फैसला किया गया है, ऑरियन ट्रेन और मैस ट्रांजिट जो कंपनी है उसकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि फासला जितना कम होगा उतने कम पैसे होंगे, यानी कि कम फासले पर 10 रुपये, फिर उससे आगे ज्यादा फासले पर 20 रुपये, और सबसे ज्यादा जो फासला होगा उस पर 40 रुपये जो है वो जो मुकर किए गए थे उसका किराया। लेकिन इसके ऊपर अभी तक नोटिफिकेशन क्योंकि जारी नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जितने भी यहाँ पर हुकाम हैं, जितने भी अहलकार बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि रात को तो यही कहा जा रहा था कि सुबह से इसके ऊपर अमल दरामद करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो नोटिफिकेशन आया है ना ही हुकाम की तरफ से उन्हें ऑर्डर दिए गए हैं कि वो इस तरह किराया जो है वो चेंज करें। अभी फिलहाल किसी भी जगह पर आपने जाना है तो उसके लिए 40 रुपये किराया जो है वो मुकर्रर है, और अभी हर जगह पर जाने के लिए वो करीब आपने फासला लेना हो या फिर ज्यादा फासले पर आपने जाना हो उसके लिए आपको 40 रुपये ही देने पड़ेंगे। यहाँ पर शहरियों से जब मेरी बात हुई है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रात तक तो हम बड़े खुश थे कि भाई अब छोटा अगर आपने कम फासले पर जाना है तो उसके लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, सो आपका जो आना जाना है और जो आपके पैसे हैं वो कम खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही पता चला है कि यहाँ पर आगाह कर दिया, बता दिया, लेकिन यहाँ पे इंतजामिया का क्या मौकफ सामने आ रहा है कि ताखीर की कोई खास वजह सामने है? देखिए, अभी तक ताखीर की वजूहात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन गुज़िश्ता रात भी जब ये सूबाई वजीर की तरफ से ये टिकर जारी किए गए थे और उन्होंने बताया था, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाने हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ये सारी की सारी ऑरेंज लाइन ट्रेन है और इसका किराया जो है वो जितना ज्यादा कम किया जाएगा उसके एक्सपेंस जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लागत आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी भी मजीद इसके ऊपर शायद सोच विचार करना है या तजावीज मजीद दी जा रही है मैस ट्रांजिट कंपनी की जानिब से भी, और जितने भी यहाँ पर ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से कुछ मजीद जो तजावीज है वो दी जा रही है, जिसके बाद ही ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर दिया जाएगा और मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी वजूहात जो है वो सामने नहीं लाई गई है, लेकिन क्योंकि जराए की तरफ से ये चीजें बताई जा रही है तो इस वजह से मैं आपको यही बता सकती हूँ कि अभी फिलहाल मजीद मैस ट्रांजिट की तरफ से जो जा रही है तजावीज दी जा रही है कि कितना किराया जो है वो रखा जाए उसके मुताबिक ये अभी तक फिलहाल नोटिफिकेशन लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है, लेकिन किलोमीटर के मुताबिक किराए लिए जाएंगे। शहरियों के नजदीक ये फैसला कैसा है इस वाले से अपडेट करी थी, लेकिन अभी तक ये फैसला हुआ नहीं। अपडेट करी थी हम, बट बेहद शुक्रिया आपका।